तो यहाँ इससे जिले में पार्टी कमजोर हुई है, बहुत कमजोर हुई है। और क्या है ना, बसपा का बहुत बड़ा नेता था और मुस्लिमों का नेता, तो उसकी तो जो महागठबंधन है वो अपने आप में ही खिचड़ी है और वो पक भी नहीं रही है, वो अधपकी खिचड़ी है और वो ना पकने वाली है वो। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि इसमें जो भी महागठबंधन में जितने भी नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती जी हुई, चाहे ममता बनर्जी हुई, चाहे केजरीवाल हुए, चाहे जिस किसी को भी उठा लीजिए कि, तो आप इसमें से राहुल गांधी जी हुए, इसमें आप सोचिए, आप किसी आम जनता से पूछिए कि आप क्या इनमें से कोई भी ऐसा विकल्प है जो मोदी जी की जगह आप किसी को सोच सकें, प्रधानमंत्री जैसे किसी को नहीं सोच सकता कोई, मतलब ये कहीं मतलब उनके चरणों की धूल भी नहीं है, चाहे जो भी करें। और ये सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते और ये मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसलिए इनका ना देश के प्रति कोई समर्पण है, ना जनता के प्रति कोई समर्पण है। तो ये अपने अपने स्वार्थ में, स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने ही स्वार्थ के द्वारा स्वयं ही ख़त्म हो जाएंगे। तो महागठबंधन का कहीं से कहीं तक कोई भी स्थान ना होने वाला है और ना है।